नमस्ते मित्रों, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। बहुत ही शानदार व्यू आज इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। वीडियो पर एंड तक बने रहिए। और पक्की रोड ख़त्म हो गई और हमें दूसरे रास्ते पर निकलना पड़ रहा है क्योंकि वो रोड कहीं और जा रही थी। और मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ इस शानदार व्यू के साथ आप वीडियो पर बने रहिए। और आपको इस वीडियो में आज बहुत ही शानदार व्यू देखने को मिलेगा। इसमें ऊंट, गायों के झुंड और पानी के पुराने समय में किस प्रकार से पानी इकट्ठा करने के लिए स्रोत बनाए जाते थे, बहुत ही शानदार व्यू। ये पुराने समय में बनी ये नाडिया जो पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है पशुओं के लिए। और ये गाय का गोबर है जिसे सुखाकर ईंधन के रूप में उपयोग में लिया जाता है हमारे राजस्थान में। बहुत ही शानदार व्यू, पशु बैठे। थोड़ा आगे चले तो और एक साइड में हमें गाय बैठी हुई नज़र आई। अभी सर्दी का मौसम है तो गाय देखो धूप में बैठना पसंद करती है। देखो एकदम आपको नज़र आ रही है गाय, देखो झुंड में बैठी है। अब गांव में पहुंचे तो एक पानी का एक अलग ही एक स्रोत मिला हमें। और मित्रों, अब ऊँटों का एक झुंड आ गया है पानी पीने के लिए। ये देखो आप, बहुत ही शानदार व्यू। अलग अलग देखो कलर में ऊंट। अब पानी पीने के बाद ये अभी आराम कर रहे हैं ऊंट। देखो एकदम आराम में अभी भी। बहुत शानदार एक व्यू रेगिस्तान जहाज का। इसकी एक अपनी एक अलग ही पहचान होती थी पुराने समय में, क्योंकि पुराने समय में गाड़ियाँ वगैरह नहीं हुआ करती थी। लोग अपना सामान वगैरह कोई भी काम होता तो ये ऊँटों के ज़रिए आना जाना रहता था। वर्तमान समय में गाड़ियाँ आ गई है, पुराने समय में ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। ये ऊँट बहुत ही एक फ़ायदेमंद और कारगर साबित होता है रेगिस्तान दौरों में, जो अपने जुनून और साहस से चलता है, हार कभी नहीं मानता है, तभी से रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। आज वक्त के साथ परिवर्तन हो गया है, अब इसकी इतनी उपयोग में नहीं लेते और इसका महत्व भी कम हो गया है। पुराने समय बहुत ही महत्व हुआ करता था इन ऊँटों का। लोग हजारों किलोमीटर दूर अपनी यात्रा इन ऊँटों के जरिए करते थे, एक गांव से दूसरे गांव आना। और देखो ये अभी पानी पीने आए हैं, तो देखो इसमें एक अलग बात, ये देखो सबके कलर भी थोड़े अलग अलग है। किसके वाइट है, किसके थोड़े एक अलग ही कलर के नज़र आ रहे, ब्लैक कलर है थोड़ा थोड़ा। कम से कम 20-30 के करीब है कैमल एक साथ। ये देखो अब भागने की तैयारी में, वो देखो निकल गए, देखो धीरे धीरे अब भाग रहे। देखो सब के सब अब निकल जाएंगे, हो गए। कितना शानदार व्यू नजर आ रहा है, देखो एकदम पंक्ति भाई आपको नजर आ रहा है, देखो भागते हुए राजस्थान जहाज। बहुत ही शानदार व्यू, बहुत कम देखने को मिलता है इतने सारे एक साथ ऊंट। हो गए सभी अब निकल गए, देखो। और दोस्तों, अगर आप राजस्थान से हो तो ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा, मुझे पता है। अगर हमारा वीडियो कैसा लगा अपनी राय जरूर देना कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करना। थैंक यू। जय हिंद, जय राजस्थान।